प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस बैठक पर कसा तंज, कहा बैठक का नहीं दिख रहा कोई असर। ग्रामीणों ने लगाए सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, चिड़ापारा में कई कार्यों की स्वीकृत राशि का गबन, प्रमाणित पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चल रही भागवत कथा, जंगल में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव, श्रद्धालु ने लिया कथा का आनंद। अंबिकापुर से रायगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को लेकर छात्र छात्राओं ने जताया विरोध, कहा कांग्रेस सरकार बंद कर रही हिंदी मीडियम स्कूल। और भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी विभागों की बुलाई बैठक, समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित, अधिकारियों से विभागों की जानकारी ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ। पहली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 847 नए मामले सामने आए हैं, 1475 लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव केसों की संख्या अगर बताई जाए तो 6897 बची है। कांग्रेस बैठक पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नकल करती है पर उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा, कांग्रेस के लोग घर बैठते जा रहे हैं। इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सहमति जताई, कहा मैं सिद्धू की बात से सहमत हूं, पंजाब में बदलाव होने वाला है, बुंदेलखंड में पिछले चुनाव में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचार किया था और पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार भी बीजेपी की जीत हासिल होगी। पिछले 24 घंटे में 847 नए कोरोना के प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। 847 में मैं पुनः एक बार स्मरण कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिससे जो लोग आशंकित हों उनके मन से ये भ्रम निकले कि अब हमारी 4 डिजिट से कोरोना का लगभग हट गया है, हम अब 1000 के अंदर ही आ गए। ठीक होकर हमारे जो लोग घरों के लिए सकुशल गए हैं वो 1475 लोग। मैं पिछली बार भी चुनाव में बुंदेलखंड में गया था, मैं इस बार भी चुनाव में बुंदेलखंड में गया था, कल मतदान वहां पर हो गया है और मेरी मान्यता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है, वो स्पष्ट रूप से भाजपा जीतने वाली है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिड़ापारा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के पंच समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने कई कार्यों की स्वीकृत राशि का गबन किया है, जबकि ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामवासियों ने मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत चिड़ापारा के सरपंच सचिव के समस्त दस्तावेज और उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों की भौतिक सत्यापन किए जाने पर अनेक तरह की काली करतूत उजागर होने की संभावना है। इस पूरे मामले में सीतापुर क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सरपंच सचिव के द्वारा बिना काम किए राशि का आहरण कर लिया गया है और ये बात प्रमाणित पाई जाती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको कोई बचाए थोड़ा ना पाएगा, तो प्रमाणित अगर कोई चीज रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है, इसके लिए हम थोड़ा सा आम जनता बहुत परेशानी और बहुत ही भ्रष्टाचार की वजह से परेशानी है। देखिए अब भ्रष्टाचार तो बहुत सारी हो रही है, जो पैसा हरण हो रहे हैं, जो बोलना चाहिए जो काम भी नहीं दिख रहा है और मनमानी राज टाइप से कर रहे हैं और पैसा बहुत ज़्यादा हरण होते जा रहा है और काम नहीं दिख रहा है। अगर अच्छे से जांच किया गया तो बहुत ज़्यादा काला कारनामा निकलेगा, मैंने पूर्णतः इसमें जो है राशि गबन ही किया गया है और कार्य नहीं किया गया है किसी तरह कैसे भी। तो जनता किस तरह से इसका विरोध कर रही है? जनता तो खुलेआम विरोध कर रही है, लेकिन जाँच जाँच स्पष्ट रूप से करके दिखाया जाए तब। उन पर भ्रष्टाचार काफ़ी है कि पंचायत के हर एक काम पर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर एक पैसा का उन्होंने घपला किया है, अब तक काम सब अधूरा है, वो काम पूरा ही नहीं हुआ है। जैसे कि अभी हाई स्कूल आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्कूल इसमें 4 लाख निकल गया है, पिछले सत्र का है, 2021 का है, इसका 7-8 या 9 महीना हो गया है, काम भी अधूरा होकर छूटा है। यहाँ आपका सामुदायिक शौचालय है,
वो अधूरा है, अधूरे निर्माण कार्य ये सब पूरा है, सबका पैसा निकाला गया, खाया गया उनके द्वारा। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता सरगुजा से श्रवण महंत। श्रवण, जिस तरह से ग्रामीणों की हमने बात सुनी, अभी अगर इस बाइट की बात करें, लास्ट में जो हमने सुना कि सारे ही जो काम है वो अधूरे पड़े हैं, चाहे स्कूल के काम की बात करें, शौचालय की काम की बात करें या बाकी के निर्माण कार्य की, यानी जब जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच में देरी क्यों? बिल्कुल, देखिए क्रांति प्रिया, ये जो पूरा मामला है सीतापुर विकास खंड के चिड़ापारा ग्राम पंचायत का मामला है, जिसमें सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों और पंचों ने आरोप लगाया है कि लोग फर्जी प्रस्ताव बना करके जो ग्राम पंचायत में आने वाली समस्त जो योजनाएं हैं, जिसमें सभी तरह की योजना जैसे स्कूल निर्माण, समुदाय शौचालय और तमाम तरह के जो निर्माण कार्य है, उसको फर्जी प्रस्ताव बना करके उसकी राशि को आहरित कर ली गई, जबकि वो वहां पे कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिसको आक्रोशित होकर पूरे ग्राम के लोग जो है, पंचगढ़ थे, वो आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से सरपंच और सचिव फर्जी प्रस्ताव करके वो पैसा निकाला गया है, इसकी जाँच की जाए और तमाम इनके जो पंचायत के रजिस्टर होते हैं जिसमें आवक जावक होता है उसको खंगाला जाए, अगर खंगाला जाता है तो उसमें लाखों करोड़ों तक का जो है वो फर्जीवाड़ा पाया जाता है, जिसके लेकर के वो जो ग्रामीण है वो वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और तमाम जो लोग हैं उनसे इस चीज के दोनों सरपंच और सचिव को लेकर के ये भ्रष्टाचार का खुलासा करने और जांच के लिए निवेदन किए हैं, और उस पर खाद्य मंत्री जो अमरजीत भगत हैं और वहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो भी तुरंत ही जैसे जानकारी उनको मिलती है उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या जांच हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से जो एक गांव का मामला नहीं है, तमाम क्षेत्र में कई ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें मिली भगत रहते हैं, जिसके वजह से इतना बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि अगर 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 शौचालय की बात की जाए या सैनिटाइजर की बात की जाए या तमाम जो अभी जो छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरुवा बारी, उस पर जो काम की बात की जाए या नहानी और डोरी निर्माण की बात की जाए, तो ये जो सरपंच और सचिव है वो इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तमाम जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि उनके बिना सिग्नेचर के और तमाम जो एसडीओ और उसके इंजीनियर जो होते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं वहां जाकर के कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और ये जो चीजें हैं वो कागजों में अगर बन जाती है तो सवाल ये नहीं उठता है कि सरपंच और सचिव का ये भ्रष्टाचार का खेल है, उसमें तमाम वो अधिकारी भी सम्मिलित है, और कार्रवाई अगर होती है तो सचिव और सरपंच को न करके तमाम जो वहाँ के जो अधिकारी हैं जिनके जो या तो मॉनिटरिंग करते हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है उन पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही, और जिस तरह से मंत्री जी ने कह ही दिया है, खाद्य मंत्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर जांच में पाया जाता है कि उन्होंने गड़बड़ की है, गबन किया है, तो उन पर उचित कार्रवाई होगी, और अगर जांच में पाया जाता है बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती, तो वैसे ही हम बता चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अधिकारी कर्मचारी बाकी वो सब संलिप्त हैं इन कामों में, तो अगर इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं मंत्री जी पर भी सवाल उठ जाएंगे। तो श्रवण, आप बने रहिएगा क्योंकि एक और खबर आपने हमें भेजी है सरगुजा से, हम दर्शकों को बताएंगे, उसके बाद इस खबर पर भी आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। ये खबर अंबिकापुर से रायगढ़ नेशनल हाईवे को लेकर है, जहां हाई स्कूल के 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सड़क पर जाम लगाया, और प्रदेश सरकार के द्वारा खोले जा रहे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध जताया है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी मीडियम स्कूल को कांग्रेस सरकार बंद कर रही है, जिसके चलते विद्यार्थियों ने 2 घंटे से नेशनल हाईवे 43 पर जाम लगा रखा था। श्रवण, आपसे चर्चा करने से पहले हम सुनवाते हैं कुछ खास बातें। आज कई वर्षों से संचालित और हमारे साथ श्रवण बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं खबर भारत के। श्रवण, ये जो दूसरी खबर मैंने दर्शकों को बताई कि किस तरह से हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, हम देख सकते हैं विजुअल्स, भीड़ लगी हुई है, मांग कर रहे हिंदी मीडियम स्कूल जो बंद हुआ है उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा माजरा, क्या कहना है शिक्षकों का भी, छात्र छात्राओं का भी? देखिए, जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल,
वो उनके जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के ऐलान के बाद ये सारा जो मसला उठा है, और आज जो है हाई स्कूल शांतिपारा के जो शासकीय जो छात्र छात्राएं थे वो अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाले नेशनल 43 पर सैकड़ों की संख्या में बैठकर जाम कर दिया है, और उनका आरोप है कि अगर जो हाई स्कूल जो हिंदी मीडियम स्कूल है कहीं उसको बंद न कर दिया जाए। इसको जैसे ही उन छात्रों को ये जानकारी मिलती है वो सैकड़ों की संख्या पर NH 43 में बैठ जाते हैं और घंटों ये आंदोलन चलता है, और इस आंदोलन से लोगों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि लगातार आंदोलन चलता रहा और इस NH 43 के दोनों तरफ जो है वाहन की लंबी लंबी कतार खड़ी हुई है। जैसे ही जानकारी मिलती है वहाँ पे प्रशासन और तमाम जो अधिकारी है वहाँ पे पहुँचते हैं और जो है छात्रों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि छात्रों का कहना ये है कि वहाँ पे जो इंग्लिश हिंदी मीडियम स्कूल है जहाँ आज से वो 50 सालों से वहाँ से संचालित है, और हिंदी मीडियम स्कूल में जहाँ वो पढ़ाई करते हैं हाई स्कूल के छात्र छात्राएं, कहीं ना कहीं उसको आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खुलने पर बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के वहाँ के छात्र छात्राएं जो है इसका विरोध करने लगे और भूपेश जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन जब वहाँ पे SDM पहुंचे और SDM ने बताया कि इस तरह भले ही आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है लेकिन हाई स्कूल के हिंदी मीडियम स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के वहां प्रशासन की टीम समझाइश दे रही है लगातार और छात्र जो है लगातार प्रदर्शन ही कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एक स्कूल का खुलना और जिसका भय कि दूसरा स्कूल यानी हिंदी मीडियम स्कूल बंद ना हो जाए, ये नाराजगी भी थी, चिंता भी थी। और इस भीड़ में हम कुछ महिलाओं को भी देख पा रहे हैं जो विशेष रूप से अगर नारंगी रंग के वस्त्र जो पहनी हुई, ये कुछ खास वर्ग भी इकट्ठा था क्या इन छात्र छात्राओं के साथ? देखिए, ये जो छात्र छात्राएं वहां पर जब आंदोलन कर रहे थे तो इनको जैसे कि हमने छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि हमने सुना है कि हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जब यहाँ SDM पहुंचे तो उनका कहना है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खुलने के निर्देश आए हैं लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करने का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से छात्रों को ये जानकारी मिली है जिसको लेकर के छात्र जो है नाराज थे और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वो नारंगी कलर की जो महिलाएं जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जो है उनके सहयोग के लिए पहुंची थी, और ये जो है वहीं के लोकल जो महिला है जो सामाजिक कार्यकर्ता टाइप का ये महिला है और जो छात्रों को सहयोग कर रहे थे। बिल्कुल सही कि जिस तरह से छात्रों ने जब विरोध करना शुरू किया तो उनके समर्थन में बहुत सारे लोग उनके समर्थन में उतरे और शायद इस विरोध में शामिल हुए। तस्वीरें साफ बयां कर रही है श्रवण, यानी कि समझाइश तो दी गई है और आश्वासन ये दिया गया है कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद नहीं होगा। अब शायद उनकी ये मांग जरूर होगी कि लिखित में ये मिल जाए ताकि किसी तरह का जो संशय है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कहा कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जाए, इस संशय से वो बच जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं प्रशासन की समझाइश के बाद भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम अगर बंद हो जाएगा तो हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा, और अगर इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस तरीके से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाई होता है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अगर वो पढ़ते हैं तो भाई उनकी पूरे किताबी सिलेबस पूरे इंग्लिश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी उन छात्रों को चिंता सता रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो है इसी सारी समस्या को लेकर जो है छात्र आंदोलित है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम स्कूल को न बंद किया जाए। बिल्कुल सही बात है, दोनों माध्यम अलग अलग हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाने में परेशानियां छात्रों को ही आएंगी, तो इस बार अपनी परेशानियों को लेकर छात्र उतरे थे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण तमाम जानकारियों के लिए। नैनपुर से 5 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे ग्राम पायली में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच परम श्रद्धेय पंडित वीरेंद्र प्रसाद शास्त्री के द्वारा भागवत कथा की जा रही है। उसी अवसर पर कृष्ण जन्म को लेकर आज की कथा सुनाई गई और धूमधाम से कृष्ण जन्म मनाया गया, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस अवसर पर जबलपुर से पधारे सुबह मोटर्स के संचालक ने भी कथा का लाभ उठाया।
2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्शन मोड में देखी जा रही है। आज कमलनाथ निवास पर सभी प्रकोष्ठों और विभाग की बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, राजीव सिंह समेत तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे। राजीव सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई, जिसमें उनके कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगे आने वाले प्लान और रणनीति के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। नहीं, ये काम देखिए, ये प्रकोष्ठ और विभाग के अध्यक्ष तो ऑलरेडी अपने उनका अलग दायित्व है। ये जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे जो विधायक हैं या जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं वो मंडल सेक्टर का काम जिला अध्यक्ष का रहता है। सदस्यता अभियान की भी मॉनिटर की जाएगी, निश्चित रूप से अभी चल रही है। और अब क्योंकि हमारे यहाँ 31 मार्च अंतिम तिथि दी है सदस्यता की, तो अब हम लोगों का जो टारगेट है मध्य प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का, तो जो पुस्तकें हमने इशू कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, तो अब वो पुस्तकें भर के जमा होना शुरू हो गई हैं जिला स्तर पर, तो उसकी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से बैठ के करेंगे। के साथ में माननीय कमलनाथ जी ने उनसे कहा है कि जो काम नहीं करेगा वो उस पद पर नहीं रहेगा, इसलिए सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे दृढ़ता के साथ में काम करें और जो काम नहीं करना चाहता वो उस पद को छोड़ दे। प्रसिद्ध संत मिर्ची बाबा गौशालाओं की हालत जाने ग्राम खेड़ा गौशाला पहुंचे, जहां गौशाला में एक भी गाय नहीं मिली, केवल गौशाला का भवन बना मिला। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा कि भवन का केवल निर्माण हुआ है, शासन ने गौशाला में गाय रखने के कोई आदेश नहीं दिए हैं, ना ही कोई फंड मिला है, जिस पर मिर्ची बाबा कोई व्यवस्था ना होने पर सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शिवराज सरकार सो रही है, गाय लावारिस स्थिति में गाँव के मार्ग और नगर की सड़क पर बदहाल घूम रही है और गाय मर रही है। साथ ही ये भी कहा कि शिवराज सरकार गाय के लिए 50 प्रति गाय के मान से गायों के संरक्षण के लिए राशि प्रदान करें और गौशाला में पर्याप्त व्यवस्था करें, नहीं तो मैं संघर्ष करूंगा, कल मुरैना हाईवे जाम करूंगा और ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करूंगा। ये कहना था मिर्ची बाबा का। पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, गौ भक्त रहेंगे जी। और उस पर भी ये भाजपा ही कल राजनीति करेंगे जी, के कांग्रेस ही कर रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, गौ भक्त कर रहे हैं। और ये सच्चे गौ भक्त हैं वो रोड पर उतर रहे हैं, और जो भाजपा के ड्रामा करने वाले गौ भक्त हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आज कहना चाहता हूं, कहां है बजरंग दल, कहां है संघ जो इतनी इतनी गाय मर रही है और रोड पर नहीं निकल रहे हैं। इस पर मीडिया को प्रशंसित करना चाहिए कि गौ के लिए कोई आवाज उठाए, तो व्यक्ति विशेष पार्टी का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो केवल गौ भक्त है और सच्चे गौ भक्त आगे आएंगे और नौटंकी वाले साले कल घर से बाहर नहीं निकले। स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भयावह आग लगी, जहां दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि बैंक में आग लगने की यह खबर दूसरी बार सामने आई है। सालों पहले जमुना SECL के SBI बैंक में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारण का खुलासा तब भी नहीं हो पाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। विदिशा में शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम पे नवनियुक्त सेना ने विशाल रैली निकाली और शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन का बखान किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे, जिसके कारण कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं की मदद से राहगीरों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े उनकी कोशिश रही। वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में उनकी यादगार में कितने लोग इकट्ठे हुए आज? हजारों की भीड़ आज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुई है, और इसका मूल उद्देश्य है मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना का विस्तार करना, जो कि महाराष्ट्र में श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट राज ठाकरे जिनकी पार्टी का विस्तार जो है कि पूरे महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उससे प्रेरित मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना का विस्तार मध्य प्रदेश में करने की रूपरेखा के हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया है। विगत वर्ष से ये कार्यक्रम चला आ रहा है।
के खमहाड़ी पुलिस ने हथियार के साथ एक आबचारी बच्चे समेत दो दबंगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से दो देसी कट्टा और 6 कारतूस भी बरामद की गई। आरोपी की पहचान कामरान अली खमहाड़ी से हुई है। फिलहाल पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मंदसौर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक सगा बड़ा भाई दुष्कर्म का आरोपी पाया गया। बता दें कि छोटे भाई ने मोबाइल दिलाने का कहकर अपने भांजे को कीटनाशक पिलाकर मार दिया। बच्चे की मौत के मामले में जांच कर रही पुलिस के सामने पीड़िता बहन ने शर्मसार कर देने वाला एक खुलासा किया। बहन ने बताया कि बड़ा भाई पिछले 1.5 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस ने आरोपी भाई को यानी बड़े भाई को दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया, तो वहीं सगे छोटे भाई को पीड़िता के बच्चे की हत्या के मामले में बाल न्यायालय पेश किया है। संज्ञान में आया कि उसकी पॉइजनिंग के कारण डेथ हुई है। जब उस प्रकरण में हमने आगे जांच करना शुरू करी, बयान लेना शुरू किए, तो कई तथ्य सामने निकल के आए, जिसमें कि जो मृतक है, मृतक की माँ के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई जिसका नाम संतोष है उसके ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ जब इस मर्ग की हम आगे विवेचना करते गए तो उसमें ये निकल के आया कि मृतिका का छोटा भाई जो कि उसके द्वारा उस बच्चे को ये जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कायद करने का तथ्य सामने आया है। जब इसकी और तह में जाने के हमने प्रयास किया तो उसमें ये निकल के आया कि जो महिला है, पीड़िता है, उसका जो छोटा भाई है उससे मामूली विवाद मोबाइल फोन ना दिलाने के ऊपर था तथा महिला ने उससे काम करके कुछ घर परिवार में मदद करने के लिए बोला था, उसी के संबंध में उसने बुरा नाराजगी करते हुए उस बच्चे को जहरीला पदार्थ संभवतः कीटनाशक दवाई पिला दी जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मंदसौर के जिला अस्पताल में एक चौकीदार के द्वारा महिला से बदतमीजी करने का मामला सामने आया, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने सिटी कोतवाली थाने में हंगामा किया। फिलहाल चौकीदार हिरासत में है। सीएसपी ने महिला के बयान के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि महिला ने चौकीदार पर आरोप लगाए कि उसे देर रात वार्ड में जाने को लेकर चौकीदार ने उसके साथ बदतमीजी की थी। इस बात ने कुछ ही मिनटों में तूल पकड़ लिया। सिटी कोतवाली थाने में सैकड़ों लोग जमा हो गए और लगभग 2 घंटे तक थाने पर जमघट लगा रहा था। एक मामला संज्ञान में आया है, सिविल हॉस्पिटल का मामला था, तो कोई सिविल हॉस्पिटल के गार्ड के द्वारा किसी महिला के साथ में कुछ बदतमीजी वगैरह कुछ की गई थी, तो उस मामले को संज्ञान में लिया गया और पुलिस प्रशासन को संज्ञान में दिया गया। अभी उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो कार्रवाई जो कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी, और गिरफ्तारी हो चुकी है और महिलाओं के बयान चालू है और उसके ऊपर FIR। ये मदारपुरा से एक विशेष समुदाय की महिला थी जो अपने बच्ची के इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल गई थी और 4 बजे के आसपास उन्होंने भर्ती कराया था और वो अंदर थी, उनकी बहन उनको देखने के लिए जो है अंदर आ रही थी, वो गार्ड ने उनके साथ बदतमीजी की थी, तो उनके आधार पर पुलिस ने जो है उनके जो है पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपी को थाने ले आया। फिलहाल इतना ही, बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।